वेलकम सर। हाँ, इन्हीं तालुकान ते कुछ असर पड़ता या यही तालुकात इन्हें ही रहता कुछ अगते वादा कुछ पाकिस्तानी करी कुछ थींदो इनते मां उनते अचान पे एक्चुअली विच में तां जो ब्रेक अचे वियो सवाल ही हुआ त अमेरिकन्स के को ट्रेड जो को खास मसलो कोने चाइना सा असल मसलो जो को आसो अमेरिकन्स के आ या अमेरिकन लीडरशिप के आ वो आहे BRI चाइना जो जो को प्रोग्राम आ जो को वर्ल्ड कनेक्टिविटी जो हाँ 60 कंट्रीज जो कने इंटर कनेक्टेड थियन था अंडर प्रोग्राम रन बाय चाइना उनमें तमाम ऐसो तो यूरोपियन कंट्रीज आयन मिडिल ईस्ट आए अफ्रीका है सेंट्रल एशिया है रशिया है घना मुल्क है उनमें जो असल मसलो आ असल नुकसान आ वो अमेरिका के हाँ BRI जो जो फ्लैगशिप जो जो प्रोग्राम आया वो आए CPEC कामयाब आ तो BRI कामयाब आ जे CPEC के हो ना फेल था कन तो BRI जो 50% ओवर 60% जो सो ये समझो उन्होंने क्रेडिबिलिटी जो सो घटी वो घटी हाँ CPEC जैसे फेल थे थे तो उनको जो सो बुधा ओवर 60% क्रेडिबिलिटी ऑफ BRI जो सो मुतासिर थो जो ओबामा जो हो प्रोग्राम पीवट टू एशिया वो भी अक्सल में जो सो चाइना कंटेनमेंट प्रोग्राम द चाइना हाउ टू कंटेन चाइना हाँ इन जे लाए एशिया में इन को मुल्क नजर न तो अचे अज की गाल ना है इवन 50s को वी 60s को वी हमेशा उन नजर इंडिया जो है चाहे जो सो इवन रोजवेल्ट हुए या आइजन हारोन हो बाद जो सो जैसे आयो कैनेडी प्रेसिडेंट कैनेडी वो ये तो विच में कम्युनिज्म के खिलाफ़ असा उन्होंने सो अलायंस में अचे वे नेहरू उन्होंने रिफ्यूज़ कियो तो वो जो सो नेट्रल न्यूट्रल पॉलिसी इख्तियार कंदा यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तौर रशिया सा कम्युनिस्ट ब्लॉक से कैपिटल ब्लॉक से इक्वली अदरवाइज उन शुरू को टिल्ट जो सो हमेशा नजर में जो सो इंडिया रो हाँ तो खास कर मां तो चवां उन्हें सजो जोर यो है इंडिया के तैयार क्यों स्ट्रेंथन क्यों चाइना के मुकाबले ते एशिया में भी आ रहे नॉट ओनली साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया आल्सो सर असा जा मुआशी मुफादात अमेरिका का वधिक चाइना सा ना इन वक्त तमां के अमेरिका जे तरफों मुआशी मुफादात जे लिहाज को कुछ भी कोन मिलंदो असा जा मुआशी मुफादात ईस्ट सा ईस्ट एशिया सा चाइना सा ही बधल आन जो सो सेंट्रल एशिया के तरफ या जो पांजे करीबी मुल्क हैं इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट उन्हें सा तिजारत में आ अमेरिकन के तरफों तवां के अनलेस को वरी जो सो 9/11 जड़ो वाक्य थे तो या जो सो अफगानिस्तान में जी 80s में थो उन जड़ो थे तो पाकिस्तान की वरी उन्हें ज़रूरत पवे थी जो सो मनी इंजेक्ट कन था तवे इकोनॉमी अदरवाइज मुख्य कोई अड़ो यानी रस्ो नजर न तो अचे जो अमेरिकन तवे इमदाद दियन या तवी मैशियत के बहाल वो इशू बो सर कश्मीर इशू सालिस जो किरदार अदा कंदु सब कुछ कंदुम डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी न थो चे पॉलिसी रही पॉलिसी रही पॉलिसी हाँ सिर्फ डेमोक्रेट्स के अचण के कर शायद जो कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन थे तो उनते जो सो इंडिया के खिलाफ़ आवाज़ उते जो सो इंडिया के एडवाइस भी कन इंडिया के जो सो शायद थोड़ो प्रेशर भी विजन तो उते जो सो ह्यूमन वॉलेशंस या कश्मीर से जो जुल्म बर्बरियत आने तवां घट कयो दुनिया में आवाज़ उथे पर डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदगी में उ भी न थी सर हाँ ट्रंप के दौरान तसो जो अफगानिस्तान के अंदर थो उन फौज के घटा जो ड्रोन्स आ घटिया हर शा पर ओबामा के दौरान तो ये शूं थन पे सर यो फर्क नजर आयो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दौरान इन वक्त अमेरिकन्स जो ओबामा इलेक्शन खटी इन हुई तो वन जो सो इराक निकरी वम मिडिल ईस्ट में जो असो मिलिट्री इंगेजमेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट आ उन घटाइंदम अफगानिस्तान को छड़े इंदम पर
जॾहिं प्रैक्टिकल ग्राउंड ते जॾहिं ॻाल्हियूं अचे वियूं त उन्हनि खे पंहिंजे जनरल ई मना कयोसि त तव्हां जेको आहे सो कीअं अफ़गानिस्तान खां निकिरी था वञो, उते खाना जंग ई थींदी, एतिरा माण्हू मरंदा जेको जंग में बि कोन मो आहिनि। हुन ते प्रेशर उन्हनि विधो, एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर विझी हुन तां जेको आहे फ़ौज वधायूं, तव्हां फ़ौज वधाए ॾियो, असां तव्हांखे फतह करे ॾियूं था, तालिबान खे शिकस्त था ॾियूं, डिफीट था ॾियूं। फ़ौज वधाए हिन उन्हनि खे 1,25,000 फ़ौज ॾिनई, तव्हांखे यादि 1,30,000 फ़ौज, उनजे बावजूद बि हिननि तालिबान खे कीअं डिफीट ॾींदा? उहो साम्हूं त इन में बीठा आहे, डिफ्यूज़ पावर आहे जेको आहे गोरीला जंग आहे, तव्हां हुननि खे ॾिसी बि कोन था, राजो अमलो करे था वञनि या हे था करे या आहिनि। हे त पोइ जी ॻाल्हि आहे जो उन्हनि इलाइक़ा सपोर्ट या फतह कया या जेको आहे 40% ऑफ द एरिया। सो हाणे अमेरिकन्स जो अवाम जो डिमांड हुई या मतिलबु मर्ज़ी हुई त असां अफ़गानिस्तान खां निकिरूं। हे जेको आहे सो अफ़गानिस्तान में जल्दी पियो करे त उते जेको आहे सो एग्रीमेंट बि थिए ऐं मां कुझु फ़ौजी वापसि वठां, जीअं इलेक्शन कंपेन में मां चई सघां त मां पंहिंजो वाइदो प्रॉमिस पूरो कयो, अफ़गानिस्तान में मां फ़ौज विझा कयो, चाहे बाइडन अचे या ट्रंप अचे। हाणे अमेरिकन जी पॉलिसी आहे त दे विल नॉट फाइट लॉन्ग वॉर्स, इहो पेंटागन जो फ़ैसिलो आहे। लाॻा हिकु त जंग बि न विढ़ंदासीं, लाॻा बि पाकिस्तान सां सेम रहंदा, का पॉलिसी तब्दील न थींदी, फंक्शनल तव्हांजा रहंदा, फंक्शनल डिप्लोमेटिक जेको आहे सो लाॻापा रहंदा तव्हां सां। जे वंस दे आर आउट ऑफ अफ़गानिस्तान, हाणे कहिड़े सूरत में थींदा, अफ़गानिस्तान वारो मसलो अञा अध ते आहे, तव्हांखे मूंखे त इहो बि यकीन कोन्हे त अफ़गान इंटर अफ़गानिस्तान जेको ॻाल्हियूं थियनि थियूं पियूं, छा अफ़गान जा ॿई फैक्शन्स कंहिं हिकिड़े अहिड़े वाइज़ फ़ैसिले ते ईंदा जंहिं खां खूनरेज़ी बि न थिए, पावर शेयरिंग थिए, इट इज़ इम्पॉसिबल। अफ़गानिस्तान जी तव्हांखे हिस्ट्री जी ख़बर आहे, अफ़गानिस्तान कॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जो वाइज़ डिसीशन, जॾहिं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो मसलो थो अचे, अहिड़ो वाइज़ डिसीशन कॾहिं बि न वरितो आहे। असांजे साम्हूं आहे जॾहिं सोवियत यूनियन जी फ़ौज विदड्रॉ करे वई उतां, त असां जेतिरो कोशिशि कयोसीं त हिते जेके नव पार्टियूं असां वटि हुयूं, कंहिं बि लीडर जो नालो खणो, मुजहदी जो यानी रब्बानी साहब जो कंहिंजो बि, असां उन्हनि ते एॾो प्रेशर विधो आहे, एतिरो प्रेशर विधो आहे। उन ज़माने में मां फॉरन ऑफिस में हुयुमि त तव्हां जेको आहे हिकिड़ो ब्रॉड बेस्ड हुकूमत ठाहियो इंटीरियम, उन खां बाद इलेक्शन करायो, जेको कटे अचे जमायत कटे अचे उनखे पावर ट्रांसफर कयो, बट दे नेवर डिड। पोइ छा थियो हुन में? तव्हांखे यादि आहे 89 में जेको आहे सो गुलबदीन हिकमत यार वारनि जेको आहे सो जलालाबाद ते हमिलो कयो, वरी जेको आहे पंचशेरी जेको कमांडर आहे उन्हनि खे शिकस्त ॾिनई, जलालाबाद ते कब्ज़ो न करे सघिया। उन ज़माने में जेतिरा अफ़गान मोआ उते सॼी जंग में बि कोन मोआ। इन जे कुन खां बाद हिकिड़ो अफ़गान तालिबान जो हिकिड़ो फोर्स थियो, उहो जेको आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सपोर्ट सां जेको आहे इहो काबुल ते कब्ज़ो कयईं। उहो 5 साल या 4, 4.5 साल जेको आहे सो घटि में घटि जेको आहे 90% एरिया में मुल्क में जेको आहे सो उन्हनि ज़बरदस्ती हिकिड़ो पीस क़ाइम करे छॾियो। उन खां बाद अफ़गान में त मां नथो सम्झां त हिननि जेको आहे सो अञा घणी ॻाल्हि आहे न साईं। पहिरीं ॻाल्हि आहे त सीज़ फायर थिए, हे पावर शेयरिंग जे फार्मूला ते एग्री कनि, इम्पॉसिबल सर, मूंखे सम्झ में नथो अचे त ईअं कनि। हे फ़ौज कढी विया आहिनि, बाक़ी एतिरो आहे, थी सघे थो अहिड़ियूं हालतूं हुजनि जो हे पंहिंजी बाक़ी फ़ौज कढी वञनि, चवनि अफ़गानिस्तान खे त हाणे खाना जंगी में था वञो, छा था वञो, असांजो वास्तो ई कोन्हे को। अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, सही, देयर विल बी स्ट्रीम ऑफ रिफ्यूजीस कमिंग टू पाकिस्तान। तव्हां छा कंदो? केतिरो बॉडर साईं, 1700 माइल जेको आहे बॉडर खे तव्हां कीअं क्लोज़ कंदो हुननि सां? इहे रिफ्यूजीस ईंदा पाकिस्तान में ईंदा, ईरान वारा उन्हनि खे कोन छॾींदा, अॻे बि उन्हनि खे कोन छॾियो, हाणे बि कोन छॾींदा। सिर्फ़ु पाकिस्तान जे लाइ ट्रबल पैदा थींदो। असांखे खपे अफ़गानिस्तान में अमुन, असांखे अफ़गानिस्तान में जेसिताईं अमुन कम नथो थिए त असांजो जेको आहे सो सेंट्रल एशिया सां राब्तो ई क़ाइमु नथो थिए, उन्हनि सां को ट्रेड ई कोन थो थिए। बिकॉज़ यू आर गोइंग थ्रू आइदर थ्रू काश्मीर आर थ्रू अफ़गानिस्तान। हाणे अफ़गानिस्तान खां तव्हां जेको आहे सो जेकॾहिं वञो पिशावर खां सेंट्रल एशिया जो जेको आहे सो पहिरियों शहरु तिरमिज़ी वठो, या जेको आहे सो किर्गिस्तान जो पहिरियों शहरु नारीन वठो,
मां समझां थो इट इज़ ओनली वन डे जर्नी बाय रोड पर जी तुम काशरगो ना वो न इट इज़ लॉन्ग रूट पर हाँ जो असो सी पैक में वो तो ज़्यादातर जोर हों काशर वन छो तो चाइना जो मकसद है तो जो सिंकियांग जो प्रोविंस है उनके वो जो अपग्रेड कर अपलिफ्ट कर बाकी मेनलैंड के बराबर आने तो चाहे वो दैट ऑल विल बी थ्रू जो भी उन्होंने जो उन्होंने लिए करण थ्रू गवादर एंड दिस रूट थ्रू काशगर वरी मेहरबानी मोहतरम जनाब मोहम्मद आलम बिरोही साहब गुणा सफारतकार आथर राइटर लेखक कॉलमनिस्ट सर तीन वरी मेहरबानी टाइम दिनों असें इन्हें इजाज़त अल्लाह हाफिज़।